परविंदर भाई कहाँ जी? परविंदर हो रहा और परविंदर भाई क्या हाल है? अरे आगे तुम क्या हाल भाई? कौन है परविंदर? ये भैया ये तो मेरे ताऊ का लड़का है और ये चाचा का लड़का। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे ताऊ की डेथ हो गई है, तो उनकी तेरहवीं के लिए आए हैं। ये बोल रहे हैं कि उनके तेरहवीं का खाना खर्चा मैं करूँगा, ये बोल रहे कि मैं करूँगा। अब उनके कोई औलाद तो थी नहीं, तो इनको मैंने बोला कि पास में मैं रहता हूँ तो मैं कर लूँगा जो भी खाना खर्चा होगा, तो उसी बारे में बात कर रहे थे भैया। देखो क्या अजीब बात है, तुम्हारी जो है आपस में सहमति किस चीज़ पर नहीं हो रही है? इस चीज़ पर ना कि तेरहवीं का खर्चा मैं उठाऊंगा, ये बोल रहे तेरहवीं का खर्चा मैं उठाऊंगा, सारा खाना वगैरह जो भी तुम्हारे में होता है ये देंगे या ये देंगे, और आप करोगे आप दोगे, 1-2 लाख रुपए तो आ जाता होगा खर्चा, आता होगा ना। अब तुम बता रहे थे तुम्हारे ताऊ वगैरह जो है उनकी औलाद नहीं थी, अकेले रहते थे, देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। अच्छा क्या ऐसा नहीं हो सकता था? अब जैसे आप कह रहे हो कि जो है हम खर्चा उठाएंगे, ये कह रहे हैं कि हम खर्चा उठाएंगे, आप कह रहे हम खर्चा उठाएंगे, हम क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि जो बीमार रहे हो और इन्होंने आके बोला हो इनको दवाई हम दिलाएंगे, इनका इलाज हम कराएंगे, या इन्होंने बोला हो कि भी इनका इलाज हम कराएंगे, दवाई हम कराएंगे, या आपने बोला होगा नहीं नहीं आप मत कराओ, मैं पास रहता हूँ, एक दो बार मिलता भी इनसे, तो मैं ही दवाई दिलाऊंगा, मैं ही इलाज कराऊंगा, बोला आपने कभी? आपने बोला कभी? आपने देखो जीते जी इंसान की कदर नहीं होती, ना उसकी कोई देखभाल करने आता, ना उसको कोई दवाई दिलाने आता, ना उसको कोई अस्पताल ले जाने आता। कब आते हैं? मरने के बाद। मरने के बाद सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, कहते इसका खर्चा मैं उठाऊंगा, इसका खर्चा मैं उठाऊंगा। काश ये ना रिवाज थोड़ा बदल जाता, जीते जी इंसान की कदर हो जाती। जो 1-2 लाख रुपए अब लगाने के लिए तैयार है ना ये बच्चे या इनके परिवार या आपके परिवार, शायद वो तुम्हारे ताऊ के जीते जी लगता तो आज वो शायद इस दुनिया में होते। चलो हो सकता है ना होते, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिनको इलाज की जरूरत होगी, जिनको देखभाल की जरूरत होगी, लेकिन लोग नहीं करते, लेकिन मरने पे सारी रस्में सारे रिवाजें पूरी करते हैं। क्यों? सोचने वाला विषय है। काश तुम जैसे कह रहे हो ना मैं पड़ोस में रहता हूं, मैं एक दो बार मिल लेता हूं, काश तुमने उसका जो है आप खर्चा लगाने जा रहे हो पहले लगा दिया होता उनकी दवाइयों पे, उनकी केयर पे, क्यों नहीं लगाया? एक तुम्हारी समस्या नहीं है, हमारे पूरे समाज में ये एक रिवाज बन गया है, मरने के बाद देसी घी भी देना है, हलवा भी देसी घी का बनना है, और भी पकवान बनने हैं तरह तरह के, मेहमानों को भी बुलाना है, अभी कोई 500 को बुलाता है, कोई 200 को बुलाता है, कोई 1000 को बुलाता है, बड़े से बड़ा प्रोग्राम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बढ़िया से बढ़िया इलाज कराने के लिए कोई तैयार नहीं होता। काश तुम बढ़िया इलाज कराने के लिए तैयार हो जाते या ये हो जाते, काश ऐसे लोग और भी होते जो है ना मरने के बाद ना सेवा करते, जीते जी सेवा करते या जीते जी उनके लिए कुछ करते। काश बदलो, किसको मिला है क्या मिला है, जीते जी करो जो कुछ करना है, तो ऊपर वाले को बहुत अच्छा लगेगा, ऊपर वाले के लिए करते ना कि भी जो हम इतने लोगों को खाना खिलाएंगे तो ऊपर वाले को अच्छा लगेगा, ऊपर वाले को ये भी अच्छा लगेगा तुमने अपने ताऊ की सेवा करी है, उसको टाइम पे दवाई दिलाई है, उसको अस्पताल ले गए, ये बुरा लगेगा ऊपर वाले को। तुम्हारे पास चीज़ का जवाब नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। चलो बनाओ जो तुम प्रोग्राम बना रहे हो अपना, मेरी तो आदत है कुछ ऐसी बोल जाने की। चलो आपको नहीं लगता थोड़ी रस्में रिवाजें चेंज होनी चाहिए? जितना खर्चा हम मरने के बाद करते हैं काश ये खर्चा हम पहले कर दें।
अगर आपके पास कोई राय है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या पता आपका एक सुझाव दुनिया बदल दे।